आज मैं इस शर्ट के कॉलर को और इस शर्ट को पूरी कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। इस कोट कॉलर शर्ट को मैंने कैसे डिज़ाइन किया, कैसे इसको कटिंग किया, पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। अब ये है दो फोल्ड में हमने फैब्रिक रखा है। अब इसके बैक पार्ट को करते हैं स्टार्ट इस बंद साइड से। तो इस साइड से हम 9 इंच का इसका मार्जिन लेंगे। इस तरीके से 9 इंच पे हम 20 इंच तक की लंबाई लेंगे, जो कि हमारी शर्ट की लंबाई 20 इंच आएगी। तो ये हमने इसकी लेंथ ली है। इस साइड भी हम सीधी लाइन करेंगे इस तरीके से। और इसके नेक हमने 2.5 इंच की लंबाई और 1 इंच की चौड़ाई रखी है इसकी। बैक शोल्डर हमने 7 इंच लिया है और इसका आर्म होल का हमने 7 इंच लिया। 5.25 इंच इसका शोल्डर लेंगे और 1/2 इंच इसको कम करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम इसको कट करेंगे, उसके बाद हम इस बैक पार्ट को निकाल के और फ्रंट वाले पार्ट को इस बैक वाले पार्ट्स के हिसाब से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसको उठाया और इस तरीके से हमने इसको रखा। ये हमारा बैक वाला पार्ट फ्रंट वाले पार्ट पे हो गया। अब इसके साइड से हम इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये शोल्डर से अब हम इसको सीधा ही लेंगे। इस तरीके से हमने सीधा ले लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब फ्रंट पार्ट के नेक को कटिंग करेंगे। इसके बाद ये हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम नेक को कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हटा लिया। ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब हम ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से हम मोड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं अंदर की साइड से। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद और इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको फिर वैसे ही रखेंगे। अब इसका नेक कटिंग करेंगे। ये देखना 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब इसके नेक को 2.5 इंच की लंबाई, 2.5 इंच की चौड़ाई रहेगी। अब इसको राउंड शेप में करेंगे इस तरीके से। अब मैं इसको कट करूँगी। ऐसे मैंने इसको कट किया। अब इसको निकालना है इस तरीके से। इसको एक पार्ट को अलग करना है, दूसरे को अलग करना है। इस तरीके से ये कोट कॉलर आएगा बन के हमारा रेडी। तो देख सकते हैं गाइस जिस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके इसको स्टिच करके इस तरीके से आएगा हमारा ये इसका फाइनल लुक। सो देख सकते हैं गाइस जिसमें अब मैं इसकी स्लीव्स कट करने वाली हूँ। इसको फोर फोल्ड करके रख लिया मैंने। इसकी चौड़ाई 8 इंच और इधर हम 4 इंच की गोलाई में इसको ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरीके से राउंड शेप देते हुए। अब इसको कट करना है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे दोनों स्लीव्स को। उसके बाद में इसके छोटे छोटे गेदर्स बनेंगे, वो हम दिखाते हैं आपको। ये नीचे की तरफ भी छोटे छोटे गेदर्स बनेंगे और ऊपर की तरफ भी बनेंगे हल्के से, जो कि हमारा मेन शोल्डर पे आएगा। अब इसके फ्रंट पार्ट से स्टिचिंग करते हैं। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को लिया और जो भी हमने निशान लगाया था उसको हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ करके और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसके नेक की तरफ। इसको स्टिच करेंगे, उसके बाद में हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसको पलटेंगे। अब पलटने के बाद हम इसके अंदर जो कपड़ा पलटा है उसकी किनारी पे हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से। हम इस पर स्टिच करेंगे जो हमने फैब्रिक पलटा है, उस फैब्रिक पे हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। सो देख सकते हैं कि ये हमारा एक साइड का कॉलर पार्ट हो गया। अब दूसरे साइड का, अब इसको भी इसी तरीके से हम पहले ऊपर नेक की तरफ स्टिच करेंगे हल्का सा, उसके बाद में इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, इसको पलटेंगे, फिर इस पर स्टिच करेंगे जैसे कि मैंने दूसरे पार्ट में किया था। तो इस तरीके से हम इसको स्टिच किया मैंने। अब इसका फाइनल दिखाती हूँ कि फ्रंट पार्ट का जो नीचे वाला कॉलर होता है कोट कॉलर, वो बन के इस तरीके से रेडी हुआ। अब इसका फुल कॉलर कैसे बनेगा ये पहले बैक
उसके बाद में इसको फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हम पलट के रखते हैं और इसको शोल्डर को स्टिच करके इस तरीके से इसके कोने को मिला के, और देख सकते हैं गाइस इसमें 6 इंच आया है पलट के, तो डबल में 6 इंच था। और इसके कॉलर को उस हिसाब से हमने कट किया, इस तरीके से हमने देख सकते हैं हमने इसका कॉलर कट किया और इस फैब्रिक को रखा, इसके बुकरम को स्टिच किया इस तरीके से किनारी से, इसको स्टिच करके अब इसको पलट के इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया। कट करने के बाद हम चारों तरफ इसके सिलाई लगाएंगे, इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब एक साइड हमें खुला रखना है, जो कि हमारा दिख रहा होगा इस साइड हमारा खुला हुआ है नीचे की साइड। अब इस तरीके से इसको पलटना है कैंची के हेल्प से, इसके कोने को बनाना है सही से। अब इसके बाद में हमने इसको डबल करके इसमें कट लगाना है, जो कि हमने उस पार्ट में भी लगाएंगे इसी तरीके से, यहाँ कोने से लेके यहाँ पे बीच में कट लगाएंगे। याद रहे कट से कट मिलना चाहिए इस तरीके से, जहाँ से हमने फ्रंट वाले पार्ट का कॉलर एंड हुआ था वहीं से ये बैक वाले पार्ट का कॉलर हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। सो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया। अब इसको अंदर की साइड कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से मैंने इसकी किनारी को पलटा और अंदर कर दिया कॉलर के। इस तरीके से ये हो गया हमारा फाइनल कॉलर रेडी। सो देख सकते हैं गाइस मैंने इसका कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ लगाया, वो भी बगैर प्रेस के मैंने इसका कॉलर लगाया। सो ये हो गया हमारा कोट कॉलर तैयार। अब इसकी स्लीव्स को बनाएंगे, पहले ये कोट कॉलर हम आपको पूरा दिखा दें। इस तरीके से ये हमारा कोट कॉलर हो गया। अब इसकी स्लीव्स को लेते हैं, अब इसमें छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे, उसके लिए हम इस पर सिलाई रख रहे। अब सिलाई के धागे को हम हल्का सा एक सिंगल धागा हमें इसका लेना है, उसको खींचना है इस तरीके से और गैदर्स बन गए। अब इसको हम बीचों बीच शोल्डर पे लाएंगे, इसके गैदर्स को यहाँ से स्टिच करते हुए हमने इस पर शोल्डर पे आ गया हमारे ये गैदर्स। इस तरीके से हमारे ये स्लीव्स बन के तैयार हुई। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाली भी स्लीव्स बनानी है, तो इसमें अभी ये नीचे की साइड अभी इसमें गैदर्स बनने को बाकी है। सो इस तरीके से हम जिस तरीके से मैंने ऊपर शोल्डर की तरफ गैदर्स बनाए थे, उसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी गैदर्स बनाएंगे। तो अपनी स्लीव्स की फिटिंग के अनुसार आप ये रखना। तो मेरी इसमें फिटिंग है 5 इंच, तो 5 इंच का 10 इंच ले लेना। 10 इंच में हमें आधा इंच मार्जिन में देना है, तो 11 इंच की हम पट्टी इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा आएगा 10 इंच का रेडी। 10 इंच मतलब 5 इंच, जो कि हम डबल में 5 नापेंगे और अगर सिंगल देखो तो 10 इंच होगा। इस तरीके से हमने इसको रेडी किया, पट्टी को इस तरीके से हमने लगाया। ये स्लीव्स हमारी बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाली भी स्लीव्स लगानी है। ये देख सकते हैं गाइस इस साइड भी हमने स्लीव्स को लगा लिया। अब इसको उल्टा करके अब इसकी साइड सिलाई रखते हैं। उसके बाद साइड सिलाई रखने के बाद हम नीचे की सिलाई रखेंगे, जो हमारी फाइनल सिलाई होगी। तो देख सकते हैं गाइस जिस तरीके से हमने इसमें सिलाई रखी, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई रखेंगे। ये देख सकते हैं गाइस ये हमने दूसरी साइड भी हमने इसकी सिलाई रखी। उसके बाद में अब हम इसकी फाइनल सिलाई रखने वाले हैं। तो फाइनल इसके नीचे वाली सिलाई हम आधा इंच का इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। सो इस तरीके से मैंने इसको सारा फोल्ड किया, जो भी हमारी शर्ट में नीचे आएगा उसमें हमने इसको फोल्ड किया इस तरीके से। सो अब हमारी ये फाइनल शर्ट बन के रेडी हुई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका कोट कॉलर और शर्ट स्लीव्स। ये हमारी शॉर्ट शर्ट स्लीव है और
ये कोट कॉलर है इसमें, इसको हम कोटी भी बोल सकते हैं, शर्ट भी बोल सकते हैं, कोट कॉलर वाली शर्ट भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा आएगा फाइनल। सो गाइस बताना आपको हमारी ये हमारी ड्रेस कैसी लगी, ये हमारी शर्ट कॉलर कैसी लगी, ये कोट कॉलर वाली शर्ट कैसी लगी आपको, कमेंट करना ना भूलें। तो ये रही फाइनल, हमने इसको पहन के दिखाया। इस तरीके से इसका कॉलर आएगा, ये इसका फाइनल लुक आएगा इस तरीके से, और ये इसकी स्लीव्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।